सोनी फाउंडेशन और इकरा फाउंडेशन द्वारा महारक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 26 जनवरी 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज सेवा करने के नेक मकसद से सूरत के भरीमाता रोड जिलानी ब्रिज के नीचे संजरी फाउंडेशन और इकरा फाउंडेशन द्वारा ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। पिछले कई सालों से इन फाउंडेशनों द्वारा ऐसे नेक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं और इस बार भी इस मेगा ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। आपको ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि इस कैंप में 300 यूनिट से भी ज्यादा रक्त इकट्ठा हुआ। काफी सारे लोगों ने इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना रक्त दान किया। इस अवसर पर लोकहात ब्लड बैंक सेवियर और स्मीमेर अस्पताल के स्टाफ ने सेवा दी। इस कार्यक्रम में शहर के राजकीय संस्था के आगेवानों ने हाजिरी दी और इस कैंप में अपना रक्तदान करने वाले लोगों को संस्था द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संजरी फाउंडेशन और इकरा फाउंडेशन के 40 सदस्यों ने खड़े पैर रहकर खूब सराहनीय कार्य किया और इस मेगा ब्लड डोनेट कैंप में फाउंडेशन के अब्दुल रहमान शाह और अदनान गुजराती और असलम मिर्जा की मुख्य भूमिका रही। मेरा नाम असलम मिर्जा है और हमारे साथी अदनान भाई और रहमान भाई, हम लोगों ने सबने मिलकर और शहर की अलग अलग संस्थाओं के साथ मुलाकात कर आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया है भरी माता रोड भरवाड़ी मन्ना डिपार्टमेंट के पास। और अब तक यहाँ पर ब्लड 100 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया है और शाम तक हमारा टारगेट 450 है। इंशाल्लाह अल्लाह की जाति की उम्मीद है कि हम शाम तक 450 होटल कर लेंगे। सूरत शहर को क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारा पैगा है कि ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत के टाइम पर खून मिले और सब भाईचारे के साथ रहें बस। मेरा नाम अदनान गुजराती है और ये हमारे दो साथी अब्दुल रहमान भाई शाह और असलम मिर्ज़ा संजरी फाउंडेशन और इकरा फाउंडेशन की तरफ से आज ये ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और ये सूरत शहर भरी माता रोड के ऊपर जिलानी ब्रिज के नीचे आयोजन किया गया है। तकरीबन 50 बोतल क्रॉस कर चुकी है और आज हमारा टारगेट 450 से 600 बोतल तक का टारगेट है और उसी हिसाब से तकरीबन हमारे तमाम वॉलेंटियर्स ने पिछले 3 महीनों से मोहल्ले मोहल्ले घूमकर इसकी मेहनत की है। आगे हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए, मुसलसल बहुत सारे ब्लड कैंप कर चुके हैं, मेडिकल कैंप हो चुके हैं, बहुत से धरना प्रदर्शन और जैसा जैसा टाइम आता है उस हिसाब से प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है।